विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पंजन ने छतरपुर की बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ललिता यादव पर आरोप लगाया है कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, हर जगह कमीशनखोरी भ्रष्टाचार किया गया और उन्होंने असामाजिक तत्वों को खूब बढ़ाया, लेकिन उनके 5 साल के शासन में 1 रुपए की कमीशनखोरी नहीं हुई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों पर अब बीजेपी की प्रत्याशी ललिता यादव जमकर वार करते हुए कहा कि उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, वे भ्रष्टाचार कमीशनखोरी हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो आलोक चतुर्वेदी जी हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा तो है नहीं, काम उन्होंने कोई किए नहीं, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनने अपने 2 एजेंट खड़े किए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि बीएसपी से प्रत्याशी जो नीलमणि सिंह जी हैं वो उनके पहले सहयोगी रहे, कांग्रेस में रहे, और नीलमणि सिंह जी को उनने इतना प्रताड़ित किया कि एक छत्री होके उनके आंसू निकले। अब छत्री के आंसू निकलते हैं तो वो कहते हैं पेपरमेंट लगा के रोते हैं। जनता के बीच में बड़ा साफ संदेश है कि उनने 10 साल का विधायक और मंत्री भी देखा है, जो मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी ललिता यादव जी हैं, और दूसरी तरफ 5 साल का कार्यकाल मेरा भी देखा है। 5 साल का कार्यकाल मेरा निष्कलंक रहा है और वो कार्यकाल कैसा रहा है वो आप सबको भी मालूम है। उनके 10 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार और कमीशन की जो शिकायतें आम सरपंच और हर कर्मचारी अधिकारी के पे भी कहता है, मेरे पूरे कार्यकाल में 1 भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलेगी आपको।